नगर निगम चुनाव का ऐलान मार्च में हो सकता है और इसे देखते हुए राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस ने शहर की समस्याओं को लेकर नगर निगम का घेराव कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए कि पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए लाठियां तक भांजनी पड़ी और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष को भी हल्की चोट आई। कांग्रेस का कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में आर पार की लड़ाई होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि समस्याएं हर शहर में होती हैं, लेकिन कांग्रेस आंदोलन के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। आपको बताएं कि नगर निगम में पिछले 50 साल से बीजेपी काबिज है और कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव में जीत के लिए कोशिश कर रही है। कि महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन का और इतने सारे पुरुषों के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में महिलाओं के ऊपर पानी डालते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं और जब हम लोग भागते हैं तो ये पुलिस पकड़ के हम लोग को इस तरह से गिराती है और ये देखिए किस प्रकार से हम लोग को चोट आई। निगम की जो अनियमितताएं हैं इसको लेकर ये घेराव किया गया था और बहुत जल्दी उनको ये समझ आएगा कि अगर यहां भी वो होश में नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग निगम पे भी अपना महापौर बनाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है। झूठी सिंपैथी पाने के लिए जनता के ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन भी आपको करना है, समस्या में ध्यान दिलवाना है, तो उसे एक तरीका होता है। अहिंसात्मक आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, उसके माध्यम से प्रशासन का, शासन का, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से हिंसात्मक आंदोलन करेंगे, नगर निगम के हेडक्वार्टर में घुसने का प्रयास करेंगे, ये तो बात उचित नहीं है। देखिए दावे तो वो बहुत सारे कर रहे थे। दावे तो ये कह रहे थे कि 15 अगस्त को जो है कमलनाथ ही झंडा फहराएंगे। उनका कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, अपना को खुश रखने के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठे बने रहे कार्यकर्ता, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। चलिए प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई जगह कर रही है, लेकिन आमतौर पर तस्वीरें इसी तरह की सामने आती हैं। उधर बैतूल के सारणी में कंगना रनौत का प्रदर्शन किया तो पुलिस की लाठियां खाना पड़ी। इधर ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम में कामों को लेकर विरोध जताया तो वाटर कैनन और लाठियां यहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता खा रहे हैं। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। महिलाएं भी यहां पर शामिल थीं। उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, चोटें आई हैं। तस्वीरें आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं। निकाय चुनावों की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां आंदोलन की राह पर है तो बीजेपी इसे चुनावी हथकंडा बता रही है।